हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे कि एकदम घटिया पीसी, घटिया नहीं, इसका पीसी एकदम लो है, स्पेसिफिक बिल्कुल लो, सब कुछ ग्राफिक लो, रैम लो, सब कुछ लो, लो एकदम लो। तो उसमें पबजी क्या खेल सकते हैं? गेम लूप बडी में, अभी तो टेंशन बडी नहीं रहा, अब गेम लूप हो गया, देखो गेम लूप बडी। तो खेल तो सकते हैं, तो कैसे खेल सकते हैं? तो भाई सबसे पहले देखिए, अपना गेम लूप का सेटिंग बता रहा हूँ मैं। तो देखिए इधर जो भी होगा ये सब अनटिक कर देना, नहीं तो ये बैकग्राउंड में खाएगा जाएगा। ठीक है, पहली वाला बेसिक में सब अनटिक कर देना, सब के सब अनटिक, नहीं तो आपका बैकग्राउंड में डेटा खाएगा। और दूसरा इंजन जो है एंटी एलिसिंग क्लोज रखना है, और आपका रैम जितना होगा, लो है तो आपको 1000 में रखना पड़ेगा, 1000 में, मैं तो रखा 4000 पे, आप 1000 पे रखना। ठीक है, और इधर पोस्टर देखना आपका कितना नंबर मैक्सिमम आता है, वही रखना। ठीक है, और जूसता जो फंडा है भाई ये रेजुलेशन का, आपका रेजुलेशन चाहे जितना भी बड़ा हो आपका मोनिटर भाई, इधर रेजुलेशन 720p पे रखना। ठीक है, 720p से ज़्यादा कभी मत करना, यही रखना। और DPI रखना 160 से ऊपर DPI जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ ही मेन है। ठीक है, और इधर जो है देखिए, इधर तो ये GPU अनटिक रहता है, इसको टिक रन करना पड़ता है हमें। और दूसरा जो है इनेबल ग्लोबल रेंडर कीजिए, इसको अनटिक कर लेना अगर ज़्यादा लैग हुआ तो। और सेटर केची में जाकर उसका फोल्डर में जितना भी UI फाइल है जितना, वो डिलीट कर देना। और वो कैसे करते हैं आपको नहीं पता होगा तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो है, कैसे ये करता है ये वाला देख लेना। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लैग हुआ तो, नहीं तो इसको ठीक रख सकते हैं। तो इधर का इतना ही, और गेम जो है तो ये तो इस लो में HD 720p, और ये ऑटो में रहता है डिस्प्ले, आपको स्मूथ करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल स्मूथ करना है, फिर आपको सेव कर देना है बस, फिर आपको प्ले करना है। देखिए एंटी चीटिंग सिस्टम इज इन फोर्स। ठीक है, तो अभी एक दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूँ, स्टार्ट होने दो उसके बाद। देखिए बैकग्राउंड में एक कट कर देना है आपको, ये दूसरा विंडो खुला हुआ था। खुल जा सिम सिम, खोल गया भोसरी के। हाँ, तो आपको क्या करना है भाई, देखिए सीधा इधर जाना है टेक्स्ट बार पे, देखिए मेरा कितना सारा बैकग्राउंड में प्रोसेस है। ठीक है, तो जितना भी है सब कैंसिल कर दो, सब कट कर दो जितना भी है। अभी मैं OBS स्टूडियो को कट नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कंट्रोल पर, और देखिए ये है असली गेम लूप बडी, इसको तो आपको क्विट करना ही है, इसको काटना ही है। देखो काट दिया, इससे गेम नहीं ऑफ होगा, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी जगह नहीं खाएगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अगर इससे भी आपको काम नहीं बनता फिर विंडोज़ की और R दबाइए। ठीक है, और इधर टाइप की दिए टक स्किल। देखिए इससे क्या होगा, टास्क स्किल टाइप करने सबका पूरा जो बैकग्राउंड का सारा प्रोसेस जो है जिसका आपको ज़रूरत नहीं है सारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इधर से सब क्लोज कर देना, तो इससे आपका लो एंड PC में भी बहुत बढ़िया चलेगा गेम प्ले और गेम का सेटिंग। इधर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ ग्राफिक्स में जाना है आपको, इधर स्मूथ रखना है आपको
ग्राफिक्स और फ्रेम रेट एक से कॉमन बात है। और आपका लो एंड पीसी है तो आप भाई कलरफुल में रखना, ठीक है। मैं बूमी में खेलता हूँ लेकिन आपका लो है एकदम तो कलरफुल में रखना होगा आपका, तो लैग कम होगा कलर में। एंटी एलिसिंग डिसेबल और ब्राइटनेस पूरा लो कर देता हूँ, इससे एनिमी ज़्यादा अच्छा स्पॉट होता है। पूरा पूरा लो रखता हूँ पूरा। तो ये हो गया इधर का सेटिंग, दूसरा कुछ की ज़रूरत नहीं आपका गेम प्ले के, बस सही सब सही है। और इधर एक्सलेट का ये नया ऑप्शन आया है तो इसके मेरे को फ़ायदा नहीं मिला, इसे ऑन करके तो मेरा लैग बढ़ रहा है भाई, तो मैं इसको ऑन नहीं करता, बिना ऑन के ही खेलता हूँ, इससे ही मेरे को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो यही था कुछ छोटा मोटा टिप्स। और आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो भाई देखिए उसका राइट क्लिक करने से ये आ जाएगा ग्राफिक्स कार्ड कंट्रोल पैनल। हाँ तो मैं तो ऑटो में करके रखता हूँ, तो आपका अगर ग्राफिक्स कार्ड है और पीसी लो है तो यूज़ माय प्रिफरेंस इधर पे जाने का, ठीक है। इधर पे आके क्वालिटी पे है, इसको हम पूरा परफॉर्मेंस पे लाने का, ठीक है। तो फिर आपका गेम थोड़ा सा भी लैग नहीं होगा। अगर आपका लो एंड पीसी है तो ग्राफिक्स कार्ड भी कोई सा भी 1 GB का ही भी हो तो इधर इसको परफॉर्मेंस में कर देना, ठीक है। तो मैं तो ये सब नहीं करता क्योंकि मेरा तो लगभग सही है, नॉर्मल है, अच्छा नहीं है पीसी ज़्यादा लेकिन नॉर्मल है। तो ये सब तो हो गया, और दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा कि अपडेट आया है कि या नहीं आपका ग्राफिक्स कार्ड का, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और गेम का जो ग्राफिक्स का जो डायरेक्ट एक्स अच्छा है आपका, ज़्यादा लैग हो रहा है तो ओपन जी एल प्लस से लैग नहीं होगा। देखिए मेरा अभी अपडेट नहीं मांग रहा है शायद, हाँ नहीं मेरा अपडेट ही है। यू हैव द लेटेस्ट जी फोर्स गेम रेडी ड्राइवर, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं आप ना, माइक दिस पीसी है आपका माई कंप्यूटर या कुछ लिखा आएगा, राइट क्लिक करने का, प्रॉपर्टीज में जाने का, फिर एडवांस, फिर परफॉर्मेंस पे जाने का। देखिए इधर जाने के बाद आपको क्या करना है, ज़्यादातर विंडोज़ में ये रहता है लेट विंडोज़ चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, लेकिन इसको आपको नहीं करना, आपको करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है भाई सबसे ज़्यादा, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एडवांस पे जाके आप अपना वर्चुअल मेमोरी भी सेट कर सकते हैं आपका रैम के हिसाब से, आपका रैम जितना होगा इसका उतना एम बी बैठा देना, अगर 2 GB है तो इधर 2000 कर देना, ठीक है। आपका रैम जितना होगा उतना इधर सेट कर देना, इससे दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका कंप्यूटर में बहुत CPU पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इससे ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा प्रेशर मत डालना, अपना CPU अपना रैम के हिसाब से डालना, ठीक है। और मेन जो है इधर आपको परफॉर्मेंस जो है इधर करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, दिस पीसी या फिर आपका माई कंप्यूटर हो सकता है, उधर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर देखिए इधर आ जाएगा परफॉर्मेंस, इधर जाके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो भाई यही था सिंपल सा कुछ टिप्स और ट्रिक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। इससे आपका एकदम भी लो है ना गेम अपना पीसी, फिर भी पबजी गेम आपका लगभग चल ही जाएगा। मैं भाई झूठ नहीं बोलूँगा कि 100% स्मूथ चलेगा भाई, बिना लैग के एकदम मक्खन जैसे दौड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, लेकिन भाई चलेगा, गेम चलेगा, आप खेल पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक दे दो, ठीक है। और अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।